डिफेंस एकेडमी सीधी, डायरेक्टर दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अग्निवीर का जो रजिस्ट्रेशन है इंडियन आर्मी का, वो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। जो छात्र अभी तक इंतजार कर रहे थे, जो एक तारीख से नोटिफिकेशन आया था, अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं था, उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। जो छात्र अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो छात्र रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। आर्मी के लिए यानी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क और टेक्निकल, इन सभी के लिए दिया है, जिसमें से 10वीं पास, 8वीं पास और 12वीं पास तीनों छात्र डाल सकते हैं। और टेक्निकल के लिए मैं बता दूं, जो छात्र आईटीआई किए हुए हैं, 10वीं पास हैं और आईटीआई किए हुए हैं, उनको 50 नंबर की जो छूट दी गई है, अगर एक साल के आईटीआई किए हैं तो उन्हें 30 नंबर की छूट दी जाएगी, अगर वो 2 साल के आईटीआई किए हुए हैं तो उन्हें 50 नंबर की छूट दी जाएगी। यानी वो छात्र 10वीं पास से ही टेक्निकल में फॉर्म डाल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो छात्र आईटीआई किए हुए हैं, वो छात्र टेक्निकल में ही फॉर्म डालें, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि टेक्निकल में तो जाएंगे ही, लेकिन आपको अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आपको 50 नंबर की छूट मिलेगी। तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट है, जो छात्र 10वीं पास है तो आईटीआई से ही फॉर्म डालें। और आज से फॉर्म डालना प्रारंभ हो गया है, तो आप लोग फॉर्म डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी भर्ती यानी कि आपके आपका एक महीने आपका फॉर्म डलाएगा, एक महीने बाद आपको यानी 10 दिन बाद ही रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। रनिंग के बाद आपका जो प्रोसेस है, वो पेपर की जो प्रोसेस है, पेपर की यानी 10 से 15 दिन का ही समय दिया जा रहा है। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं इंडियन आर्मी की, तो हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है और गारंटेड सिलेक्शन दिया जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके द्वारा फीस दी जाती है, आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। गारंटेड सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है और फार्म भी भराया जाने लगा है। तो जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है तैयारी करने के लिए, वो छात्र अभी के अभी, ये मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो छात्र अब यानी कि जीडी की जो एज है 17.5 से 23 साल कर दिया गया है, इसी बार मौका है, अगर आप सिलेक्शन ले सकते हैं तो ले लीजिए, तैयारी कर लीजिए। जो छात्र गांव में है, अगर तैयारी कर सकते हैं तो अपने घर में ही तैयारी करें और पेपर की तैयारी के लिए आ सकते हैं। और जो छात्र नहीं कर सकते, वो छात्र न्यू बैच प्रारंभ है, तो अभी के अभी मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे छात्रों का डाउट था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट की मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो अलग से मैं जो बना दूंगा डॉक्यूमेंट की वीडियो, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो अग्निपथ को लेके, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो मेरा स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी में अग्निपथ में गर्ल्स भी जा सकती हैं। जैसे अभी तक जो इंडियन आर्मी मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी आती थी, तो उसमें 84% पहले जो फर्स्ट बार लिया है वो 86% लिया था, इसके बाद 85% लिया है, इसके बाद 84% लिया। तो अभी जो जिसका 84% लिया था, अभी उसका फिजिकल नहीं हुआ था, वो भर्ती कैंसिल हो चुकी है। उस भर्ती जो लोग उस भर्ती में फॉर्म डाले थे, वो भर्ती कैंसिल हो गई है। अब जो ये अग्निपथ के थ्रू होगी, अब इसमें परसेंटेज नहीं लिया गया है। जो गर्ल्स तैयारी करना चाहती हैं, उनका अभी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ नहीं हुआ है, भर्ती दे दिया है, जो कि नवंबर में भर्ती है आपकी, तो आप लोग तैयारी कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए भी न्यू बैच प्रारंभ है, अगर तैयारी करना चाहते तो कर सकती हैं। जो छात्र इच्छुक हैं वो तैयारी कर सकती हैं, 17.5 से 23 इसमें भी दिया गया है। तो अगर गर्ल्स के लिए अभी ओनली बॉयज के लिए दिया गया है, यानी लड़कों के लिए दिया गया है, जो कि फॉर्म डाल सकते हैं। गर्ल्स के लिए अभी आने वाली है, 10 दिन बाद आपका भी फॉर्म डालना प्रारंभ हो जाएगा, 10 दिन बाद फॉर्म भरना चालू हो जाए प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो करिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है, फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न क्लासेस दोनों की तैयारी कराई जाती है, और फिजिकल ट्रेनिंग और रिटर्न क्लासेस की गारंटेड सिलेक्शन दिया जाएगा, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। अगर चाहे आप आर्मी में जाते हो, चाहे नेवी में जाए या फिर एयरफोर्स में जाए, आपका गारंटेड सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो हमारे आपके द्वारा जो फीस दी जाती है, आपकी फीस वापस कर दी जाएगी। तो अगर आपको तैयारी करना ही है तो अभी मेरा ये स्क्रीन पर नंबर है, जल्द से जल्द आप संपर्क कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है। जय हिंद।